Good morning student, this is Nandita Singh from Lokmanitilaki School. I am going to explain you chapter 10 of SST. The chapter name is Pollution. Pollution ke upar chapter, hai. let's start the chapter. We are dependent on the environment for all our needs. With the increasing population and developments in the technology, we are overusing our resources such as soil, water, and minerals. ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो कॉजिंग हार्म टू द एन्वायरमेंट वी आर डिपेंडेंट ऑन द एन्वायरमेंट फॉर ऑल आर नीड्स हमारे हम सब अपने इन्वायरमेंट पर अपने वातावरण अपने चारों ओर की चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं अपनी चीज़ों के लिए अपनी ज़रूरतों के लिए हम अपने एन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट हैं विद द इनक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी वी आर ओवर यूजिंग आर रिसोर्सेज सच एज सॉयल वॉटर एंड मिनरल और जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है जनसंख्या बढ़ती जा रही है और टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हो रहा है विकास हो रहा है तो इसीलिए हम सारे रिसोर्सेज को जैसे कि सच एज सॉयल है वाटर मिनरल्स ये सारे रिसोर्सेस का हम ओवर यूज कर रहे हैं मीन्स ज्यादा से ज्यादा उसका यूज कर रहे हैं आवश्यकता से ज़्यादा यूज कर रहे हैं उसे कहते हैं ओवर यूज ह्यूमन एक्टिविटीज आर ऑल्सो कॉजिंग हार्म टू द इन्वायरमेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी ऐसी हैं जो कि इन्वायरमेंट को हार्म कर रही हैं नुकसान पहुंचा रही है हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है द इनवायरमेंट इज़ ऑल्सो हार्मिड अर्बनाइजाइट अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन द एन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो हार्म हमारा इन्वायरमेंट जो है वो नुकसान उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है किसकी वजह से ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन की मीनिंग देखिए यहाँ पर दिए द प्रोसेस इन विच पीपल मूव टू सिटीज एंड टाउन्स टू लिव एंड वर्क इंस्टेड ऑफ द कंट्री साइड अर्बनाइजेशन मीन्स अर्बन में शहरी मीन्स शहर में जा के टाउन्स में जा के यहाँ के लोग वहाँ जा के रहते हैं और प्रक्रिया को इस सारे प्रोसेसिंग को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ कंट्री और इन दोनों प्रोसेसिंग के वजह से इन दोनों एक्शंस के वजह से हमारा एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या है पॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं द मिक्सिंग ऑफ द हार्मफुल

पॉल्यूशन मीन्स कि कोई भी ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज के थ्रू सब्सटेंसेस को एयर, वाटर और में मिक्स करे उसे हम कहते हैं पॉल्यूशन सब्सटेंसेस विच कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स और जो सब्सटेंस पॉल्यूशन फैलाते हैं पॉल्यूशन का कारण बनते हैं उन्हें हम कहते हैं देयर आर फोर टाइप

पॉल्यूशन यानी कि मिट्टी में होने वाला पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन मीन्स ध्वनि प्रदूषण जिसे हम कहते हैं ध्वनियों में होने वाला पॉल्यूशन लेट अस रीड अबाउट ईच ऑफ देम। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन फर्स्ट क्या है आपका एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन क्या होता है व्हेन हार्मफुल गैसेस गेट्स मिक्स विद मिक्स इन लीड्स टू एयर पॉल्यूशन जब हार्मफुल गैसेस जो होती हैं हमारी जो नुकसान पहुंचाने वाली हानिकारक गैसेस जो होती हैं वो अगर एयर में जा के मिक्स हो जाती हैं तो वो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या है किन कारणों से एयर पॉल्यूशन होता है फर्स्ट है आपका स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स रिलीज हार्मफुल गैसेज विच पॉल्यूट द एयर स्मोक में धुआं ये स्मोक जो हमारे फैक्ट्रीज़ और व्हीकल्स से निकलता है और हार्मफुल गैसेस उसमें मिक्स होती हैं वो सारी चीज़ें हमारी एयर को पॉल्यूट करती हैं फैक्ट्रीज़ और व्हीकल्स से जो हार्मफुल गैसेस के मिक्सचर के साथ जो स्मोक निकलता है धुआं निकलता है वो हमारी एयर को पॉल्यूट करता है द नेक्स्ट वन इज़ फॉरेस्ट फायरस वॉलकैनिक

आर सम एयर पॉल्यूटेड होता है थर्ड वन इज बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर द एनवायरमेंट बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर पटाखों को भी चुटाने से हमारा एनवायरमेंट हार्म होता है इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन अब इसका इफेक्ट क्या है हम पर फर्स्ट वन इज एयर पोल्यूशन कॉज एस सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम सच एज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स इरिटेशन इन आई इन द आईज हेड एंड स्किन एलर्जीज जो एयर पोल्यूशन होता है उसके वजह से कुछ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, सच एस ब्रीदिंग प्रॉब्लम सांस लेने की प्रॉब्लम इरिटेशन इन आईज आंखों में इरिटेशन होता है यानी सिर दर्द एंड स्किन एलर्जीज ये सारे हमारे इफेक्ट्स होते हैं एयर पॉल्यूशन के ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स breathing problems breathing problems irritation in the eyes headaches and skin allergies the next effects on of air pollution is air pollution is a major cause of for acid rain acid rain is caused when harmful gases released by burning फ्यूज मिक्स विद द वॉटर इन द एमॉसफियर इट कॉज डेमेज ऑफ वॉटर फॉरेस्ट सॉइल एंड बिल्डिंग्स एयर पॉल्यूशन एक मेजर कॉज है जिससे कि एसिड्रेन होती है एसिड्रेन इज कॉज वेन हार्मुल गैसेज रिलीज बाय बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूज फोसिल फ्यूज के बर्न करने पर जो हार्मुल गैसेस निकलती है उसके कारण हमारी एसिड्रेन होती है उसके कारण ऐसे ड्रेन होती है जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर विद वॉटर इन द एटमॉस्फेयर और जिससे कि हमारा क्या क्या डैमेज होता है वाटर डैमेज होता है फॉरेस्ट डैमेज होता है सॉयल डैमेज होता है बिल्डिंग्स भी डैमेज होती है ऐसे ड्रेन जो कि जिसके जो हार्मफुल गैसेस की वजह से हो क्रिएट होती है तो उसके वजह से हमारा ये सारे डैमेज होते हैं नेक्स्ट वन इज डिफॉर डिफॉरस्टेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा डिफोरेस्टेशन इज एनदर कॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमोसफियर एंड गिव आउट ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स टू ब्रीथ फेलिंग ऑफ ट्रीज ट्रीट लीड्स टू अ डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल्स

और ट्रीज क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है उसका यूज करता है जो कि एटमोसफियर में प्रेजेंट होती है और ह्यूमन बींग और एनिमल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जैसा कि आपको पता है कि ट्रीज हमारे ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं तो ये क्या करता है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए जैसे कि ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट uh, है सर्वाइव करने के लिए जीने के लिए तो इसीलिए ये ट्रीज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन गैस को प्रोवाइड करते हैं फेलिंग ऑफ ट्रीज लीड टू अ डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल और ट्रीज के काटने के वजह से हमारे एटमोसफियर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है द अर्थ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग डू टू दार्मुलर और हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है सनस हीट डू नॉट अलाउ इट टू स्केप इन टू द स्पेस और जो गैसेस होती हैं जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं वो क्या करती हैं कि सन की हीट को आ, स्टोर कर करके रखती हैं उन्हें स्केप करके स्पेस में जाने नहीं देती मीन्स उन्हें होल्ड करके रखती हैं पृथ्वी पर अर्थ पर और उन्हें रिलीज होने नहीं देती स्केप हो करके स्पेस में जाने नहीं देती हैं दिस इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग इसी के वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है इट इज कॉजिंग अ ड्रास्टिक चेंज टू दर्थ क्लाइमेट और ये अर्थ की क्लाइमेट के लिए एक बहुत ही बड़ा चेंज है इन द लॉन्ग रन ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज अ राइज इन सी लेवल फ्लड मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस एंड ग्लेशियस इन द लॉन्ग रन ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज अ राइज इन सी लेवल्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल्स राइज हो रहा है हमारा समुद्र का जो स्तर है समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है फ्लड्स बढ़ता जा रहा है मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस

increase in in the 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 pollution levels has caused the white marble of the Taj Mahal to become yellowish. The pollutants pollutants air also have a bad effect on monuments. और जो होते हैं, उनका जो लेवल में हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, होती हैं उनका इफेक्ट हमारे monuments पर भी पड़ता है बिल्डिंग्स पर भी पड़ता है और जो स्पेशली मार्बल की बनी होती है उन पर इफेक्ट पड़ता है इसका रिसेंट ईयर में आपने देखा कि जो पॉल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है पॉल्यूशन का लेवल जो बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से जो ताजमहल का जो वाइट मार्बल है वो येलोइश होता जा रहा है किस वजह से होता जा रहा है पॉल्यूशन की वजह से क्योंकि हार्मफुल गैसेस हैं, जो मार्बल है, को इफेक्ट कर रही हैं, इसी के वजह से हमारा मॉन्यूमेंट भी इफेक्टेड हो रहा है तो स्टूडेंट चलिए आज की क्लास में बस इतना ही आई विल मीट यू टू विद द Next part of this chapter. Till then, goodbye. Take care.